और दोस्तों मेरे माता श्री यहाँ पर अक्सर आते जाते लोग इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठते हैं। तो दोस्तों सुबह मौसम की बात की जाए तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं पहुँच चुका हूँ सदरखाल और ये बुलेरो जा रही है पौड़ी के लिए। हम लोग जैसे ही पौड़ी पहुँचे और आज तो पौड़ी बंद है, जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं, डिनर की तैयारी भी हो चुकी है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बज चुके हैं 7:30 और आ चुका है यहाँ पर नाश्ता, और नाश्ते में है मैगी रोटी और चाय। मैं हो चुका हूँ तैयार, आज मैं और मेरी माता जी जा रहे हैं पौड़ी। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ आपको। मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम नीट एंड क्लीन, और सामने हमारे सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं, उस साइड है धूप, और यहाँ पर हमारी बहन रोज की तरह दिन के लंच की तैयारी करने पे लगी हुई है, और यहाँ पर अगेठी में चढ़ा रखी है बहन ने यहाँ पर दाल। तो दोस्तों निकलता हूँ और मिलते हैं आपको पौड़ी में। और दोस्तों मेरी माता श्री यहाँ पर रोड में पत्थर पड़े हुए थे, तो मेरी माता श्री इन पत्थरों को ऊपर रख रही है ताकि कोई भी बाइक वाला गाड़ी वाला को किसी को कुछ हानि ना होए। सामने सूर्य भगवान भी आ चुके हैं, सूर्य भगवान के लिए प्रणाम, और हमारा घर वहाँ पर। थोड़ा आगे चलते ही हमें एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक चीड़ का पेड़ दिखाई दिया। तो दोस्तों गर्मियों में अक्सर आते जाते लोग इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाते हैं। भाई जी नमस्कार। और भाई इधर, और आज दौड़ चमल जाना, बढ़ जाना भाई। रास्ते में हमें हमारे पंडित जी मिले और आज उनकी दौड़ है चमोली साइड। तो दोस्तों सुबह मौसम की बात की जाए तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलते चलते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पाली खाल में, और पाली खाल के सामने ठीक इन पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और हल्की हल्की धुंध के कारण नहीं दिखाई दे रही है। बर्फ़ के कारण पाली खाल में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ अभी तक एकदम मौसम ठंडा हो रखा है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ सदरखाल के लिए, और वहाँ से हमें पकड़नी है टैक्सी। कहाँ जाते हम? लीगा। अच्छा, तीन माँ क्या स्कूल माँ? शिशु मंदिर माँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बाय बाय। तो मैं पहुंच चुका हूँ सदरखाल, और ये बुलेरो जा रही है पौड़ी के लिए, और ये है हमारे ड्राइवर भाई साहब, ये है हमारे पूर्ण भाई। तो हम निकल चुके हैं सदरखाल से पौड़ी के लिए। तो हम लोग जैसे ही पौड़ी पहुंचे, और आज तो पौड़ी बंद है, आज यहाँ पर कुछ रैली होगा। हमारा आज का दिन भी बहुत बेकार चला गया।
आज तो पौड़ी का मार्केट भी पूरा बंद पड़ा हुआ है, धारा रोड वाला। तो दोस्तों पौड़ी आने का कोई फायदा ही नहीं रहा, आज जन आक्रोश की रैली है और पौड़ी बंद है मार्केट, तो निकल चुके हैं हम घर। पौड़ी तो हम गए पर पौड़ी जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि आज वहाँ पौड़ी का मार्केट पूरा बंद था, आज रैली थी वहाँ पर और हम खाली हाथ ही घर आ गए। थोड़ा वह सामान वाले हमने अपने इसी लोकल मार्केट जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं, पर माँ तस्वीरें और मैं घर आ गए। डिनर की तैयारी भी हो चुकी है और माता जी बना रही है पत्ता गोभी की सब्जी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाखा।